इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला ओडीआई मैच में साउथ अफ्रीका को इंडिया 8 विकेट में हरा दिया है। बहुत बढ़िया जीत है इंडिया के लिए और जबरदस्त जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है और सरदीप सिंह, आवेश खान और श्रेयस अय्यर और जो साई सुदर्शन, हाँ साई सुदर्शन जिनका आज डेब्यू हुआ है और एक बेहतरीन अर्धशतक रन किया है साई सुदर्शन ने और बहुत अच्छा हर्षदीप सिंह ने मानव ताबड़तोड़ ऐसा गेंदबाजी किया है कि अकेला अकेला साउथ अफ्रीका की धूल चटा दिया है। हाँ ठीक ही कह रहा हूँ, उसके साथ जो आवेश खान, आवेश खान भी बहुत ही कमाल का गेंदबाजी किया है आज, 4 विकेट लिया आवेश खान और हर्षदीप सिंह 5 विकेट लिया है और इसे चलते कुलदीप यादव अंत में 1 विकेट लिया, इसे चलते हुए मानव साउथ अफ्रीका को 160 रन पे ऑल आउट कर दिया है ओनली 27.3 ओवर में। ये बहुत बढ़िया जीता है। हाँ इंडिया के लिए सब यंग प्लेयर था, सब मानव सब नया प्लेयर था और जो हर्षदीप सिंह, आवेश खान, ये दोनों स्पीड स्टार मानो कमाल ही कर दिया। और सुदीप सिंह जिन्होंने इंडिया के लिए T20 खेलता था और T20 में मानो अच्छा प्रदर्शन किया है आज तक और इसे चलते हुए ओडीआई साउथ अफ्रीका के साथ ODI में उनको मौका दिया गया है और पहले मैं मानो इस मैच में क्या कमाल का प्रदर्शन किया है उन्होंने। और सुदीप सिंह जो रेजा हेंड्रिक्स को आउट किया है, टोनी डी जर्जी उनको आउट किया है, भेंडर दुसन को भी आउट किया है, कार्लसन को आउट किया और फिलिप कुयो के ये जो 5 मानो ये टॉप 5 बैट्समैन है साउथ अफ्रीका के लिए। और अच्छा मिलार, ये जो मिलार, कार्लसन, मार्करम, ऐसा ये जो विकेट है ना, ये जो बैट्समैन है भेंडर दुसान, रेजा हेंड्रिक्स, सब अच्छे बैट्समैन है। ऐसा नहीं है कि ये आवेश खान और हर्षदीप सिंह कोई बी टीम के साथ प्रदर्शन किया है, अच्छा जो साउथ अफ्रीका मेन टीम को हराया है ऐसे ही ताबड़तोड़। बहुत बढ़िया जीत है ये साउथ अफ्रीका के लिए। ODI में डीकॉक रिटायरमेंट ले लिया था वर्ल्ड कप की बात और उसके जगह में आज टोनी डी जॉर्जी आया था और टोनी डी जॉर्जी अच्छा खेला है, 22 गेम में 28 रन किया है, अच्छा खेला है और T20 का झलक था लेकिन ODI मैच है ये भूल गया था। हाँ भेंडर दुसान जिन्होंने पहले बॉल में LPW पहला बॉल में 0 रन करके आउट हो गया था, रेजा हेंड्रिक्स भी 0 रन करके आउट हो गया था, कार्लसन जिन्होंने अच्छा खेला था वर्ल्ड कप में भी और T20 मैच में भी अच्छा खेल रहा था लेकिन इस यहाँ पर ओनली 6 रन किया था, मिलर जो किलर मिलर वो 2 रन कर पाया और मानो मुल्डर वो भी 0 रन पर आउट हो गया था। ये है लेखा जोखा साउथ अफ्रीका का बैट्समैन का। और इंडिया के लिए ऋतुराज गायकवाड़ आज पहले मतलब ओपन करके 5 रन करके आउट हो गया था और साई सुदर्शन 55 कमाल की प्रदर्शन किया है, 43 गेंद में 55 रन करना कोई आसान बात नहीं है और 127 का स्ट्राइक रेट, 9 चौका मारा है, बहुत अच्छा खेला है। उसके साथ श्रेयस अय्यर भी हाफ सेंचुरी किया है, 52 रन किया है 45 गेंद में, उन्होंने ही कमाल करके दिखाया आज। और इंडिया इसकी इस जीत के साथ साथ मानो ये तो 3 मैच का ODI सीरीज है, यहाँ पर इंडिया मानो पहला मैच जीत गए, अभी इसके बाद और 2 मैच है, अगर मुझे लगता है इंडिया ये जो ODI सीरीज है आसानी से जीत जाएगा और जीतेगा और जीतना भी चाहिए क्योंकि ये जो इंडिया का टीम है ना बहुत ही अच्छा खेल रहा है बहुत ही। और जो नया लड़का साई सुदर्शन आज प्रभावित किया है, हाँ जो इंडिया का जो बहुत ही बैट्समैन साई सुदर्शन अच्छा किया है और आने वाला दिन में अगर जो अगला वर्ल्ड कप इंडिया के लिए जो अगला वर्ल्ड कप हो इस अगला वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ यार ये टीम मानो करीब करीब ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा, ये जो नया लड़का है ना यही हर्षदीप सिंह, मुकेश कुमार और आवेश खान वगैरह वगैरह ये सब लोग खेलेंगे तो अगला वर्ल्ड कप में भी, तो इंडिया के लिए बहुत बढ़िया बात है और ये नया लड़का इनको मौका दिया जा रहा है, नया लड़का अच्छा खेल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया बात है तो आगे देखा जाएगा क्या होता है। और मुझे उम्मीद है ये जो टीम नया टीम है ना ये अच्छा करेंगे, इस सीरीज तो जीतेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आज का मैच कैसा लगा। हाँ आज का मैच जो पूरा इंडिया का पास था, इंडिया मानो डोमिनेट किया है पूरी मैच में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों विभाग में, तो आपको कैसा लगा इस मैच कमेंट करके बताओ।